हेलो एवरीवन, डॉली किचन में आपका स्वागत है। आज मैं पाव की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। उम्मीद है आपको बहुत ही पसंद आएगी। इसे बनाने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगी, प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो चलिए देखते हैं कैसे बनते हैं पाव। मसाला पाव बनाने के लिए हमने एक बाउल मैदा लिया है, थोड़ा सा हमने तेल ले लिया है 2 चम्मच, और 2 चम्मच ही हमने बटर लिया है, 1 चम्मच शुगर, ये हमने पीसी शुगर ली है, 1 छोटा चम्मच ड्राई ईस्ट, 1/2 छोटा चम्मच नमक लिया है, और ये 1/2 ग्लास से कम थोड़ा गुनगुना दूध लिया है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, थोड़ा सा दूध इसके अंदर डालेंगे एक बाउल के अंदर। इसके अंदर हम डाल देंगे शक्कर जो हमने पाउडर शुगर ली है। इसके अंदर डालेंगे हम ड्राई ईस्ट, इसे हम चम्मच से हिला देंगे। अच्छे से हिलाने के बाद हम इसे 10 मिनट के लिए रख देंगे ताकि ये फॉर्मेट हो जाए। ड्राई ईस्ट बाजार से आपको आसानी से मिल जाएगा, ये इस तरह की पैकिंग में आता है। इसे हम 10 मिनट के लिए एक्टिवेट होने के लिए रख देते हैं। आप देख रहे हैं 10 मिनट हो चुके हैं और ये हमारा जो है एक्टिवेट हो चुका है, इसमें बबल्स उठ रहे हैं। तो अब हम सबसे पहले एक बड़े बाउल के अंदर मैदा डालेंगे। थोड़ी सी हम मैदे के अंदर इस तरह से जगह बना लेते हैं। इसके अंदर हम डालेंगे मक्खन, ये हमने करीब 1 से ज़्यादा चम्मच मक्खन डाला है, और इसके अंदर हम डालेंगे नमक, और अब हम इसके अंदर डाल देंगे जो ये हमने ड्राई ईस्ट को रखा था फॉर्मेट होने के लिए, और इसे इस तरह से मिक्स करते हुए हम मैदे के अंदर गूंथ लेंगे। जो मक्खन होता है इससे बहुत ही अच्छे पाव बनते हैं, शाइन बहुत अच्छी आती है। आटा गूंथने के टाइम हमें जितना ज़रूरत होगा हम उसमें गुनगुना दूध डालेंगे, और दूध के साथ ही हमने आटे को गूंदना है। ये बाउल छोटा है तो हम इसे प्लेटफॉर्म पे ले लेते हैं। हमें प्लेटफॉर्म को बहुत ही अच्छे से क्लीन करना है और हम इस तरह से इसको गूंदेंगे। हमने इसको बहुत ही सॉफ्ट करना है, जितना हम सॉफ्ट करेंगे उतना ही पाव जो है हमारा अच्छा बनेगा। थोड़ा थोड़ा हम हाथ पे तेल लगा लेते हैं। इस तरह से हमने इसको हथेली की सहायता से गूंदना है। आप देख रहे हैं कि डो हमारा बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट हो गया है। इसे हमने 10 मिनट के लिए पूरी तरह से गूंथा है, और आपने इसे गूंथना जरूर है। जितना अच्छा गूंथेगा उतना ही हमारा जो पाव है वो स्पॉन्जी बनेगा। इसी बाउल के अंदर जिसमें हमने गूंथना शुरू किया था हल्का सा तेल लगा लेते हैं, और हल्का सा तेल हमने डो पर लगा लिया है, और आप देख रहे हैं कि जो डो है बहुत ही अच्छा बना है, बहुत ही सॉफ्ट। इसे हम एक गीले कपड़े से 1 घंटे के लिए ढक के रख देंगे। 1 घंटा हो गया है, आप देख रहे हैं कि जो डो है वो हमारा डबल हो गया है, बहुत ज़्यादा फूल गया है। इसे हम एक बार हाथ पे तेल लगाते हुए इस तरह से दोबारा गूंद लेते हैं। अब हम इसे 4 भागों में बांट देंगे, डिवाइड कर देंगे। इसके हमने इक्वल पार्ट कर लिए हैं। इस तरह से करते हुए हमने इसे एक थाली में रख लेना है। इसे हमने तेल से ग्रीस कर लिया है। हमारे ये 4 पीस बने हैं, हम इसको एक प्लेट के अंदर ट्रांसफ़र कर लेते हैं क्योंकि पीस ज़्यादा नहीं है। अगर ज़्यादा होते तो हम उस बड़ी प्लेट में रख सकते थे, तो अब हम इसे एक छोटी प्लेट के अंदर रख लेते हैं। थोड़ा थोड़ा हमने गैप छोड़ना है क्योंकि ये फूलने के लिए भी जगह लेंगे। अब हमने एक कढ़ाई को गैस पर रख दिया है, और इसके अंदर हमने डाल दिया है नमक। आप इसमें रेत भी डाल सकते हैं। और हमें 2 मिनट हो गए हैं गैस जलाए हुए, और इसके ऊपर हम रख देंगे इस तरह से स्टैंड। थोड़ा सा हम इसको प्रीहीट कर लेते हैं 5 मिनट के लिए। इस तरह से हम इसको ढक देंगे। अब हम इसको हल्का हल्का दूध के साथ ग्रीस कर देंगे, ऊपर से दूध लगा देंगे ताकि ये ब्राउन हो जाए। इसका कलर ब्राउन करने के लिए आप चाहें तो तेल भी लगा सकते हैं, बट मैं इसे दूध से ग्रीस कर रही हूँ। 5 मिनट हो गए हैं और नमक जो है हमारा गर्म हो चुका है। अब इसके अंदर हम इस तरह से प्लेट रख देंगे और मीडियम फ्लेम पर इसे हम ढक देंगे। इसे हमने 10 से 15 मिनट के लिए इस तरह से रखना है, बेक करना है। हम एक बार इसे 10 मिनट बाद चेक कर लेंगे। फ्लेम हमने हाई नहीं करनी, फ्लेम हमने लो मीडियम रखनी है। 15 मिनट हो चुके हैं, हम देख लेते हैं इसको। आप देख रहे हैं कि पाव जो है पूरी तरह से सिक चुके हैं। फ्लेम हमने ऑफ कर दी है और हम इस प्लेट को निकाल के बाहर रख लेते हैं। इसे हम तेल से ग्रीस कर लेंगे थोड़ी शाइन के लिए। आप बटर भी लगा सकते हैं। मैंने इसे लो मीडियम फ्लेम की बजाय मीडियम हाई फ्लेम पर सेका है 15 मिनट के लिए।
आप इसे बीच में चेक करते रहें। अगर आपको टाइम ज़्यादा लगता है तो 15 से 20 मिनट भी हो सकते हैं, क्योंकि गैस का फर्क होता है, तो आप अपने हिसाब से देख सकते हैं। इसको 2-4 मिनट ऊपर नीचे कर सकते हैं। तो आप देख रहे हैं कि हमारे पाव बिल्कुल स्पंजी हो चुके हैं, बहुत ही। आप इसे घर पर ट्राई ज़रूर करें। उम्मीद है आपको ये रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।